अभी कुछ दिनों से कुछ चैनल्स पे व्यूज डाउन हो रहे हैं। अचानक से व्यूज आते थे, वीडियो चलती थी, लेकिन अचानक से व्यूज का डाउन होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि यूट्यूब एल्गो में कुछ चेंजमेंट हुआ है। आखिर वो क्या चेंजमेंट हुआ है आपको पता है? नहीं पता तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल देखते रहना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपके चैनल पे अचानक से जो वीडियोस चल रही थी, आपकी अच्छा खासा व्यूज आ रहा था, पुरानी वीडियो ओल्ड वीडियो चल रही थी, अचानक से उस पर डाउन, जो ग्राफ है अचानक से इंप्रेशन भेजना बंद कर दिया यूट्यूब ने, अचानक से आपका ग्राफ डाउन हो चुका है कुछ इस तरीके से। आखिर कैसे, आखिर अब इसकी क्या वजह है? क्या हमारे वीडियोस बंद हो चुकी हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि यूट्यूब पर चेंजेस होते रहते हैं, यूट्यूब एल्गो अचानक से कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है। आखिर कैसा बदलाव है? अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं, अगर आप चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालते हैं, दोनों का चैनल है आपके पास, एक शॉर्ट का एक लॉन्ग का है, तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके व्यूज पे इफेक्ट नहीं आए, और क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन है, और प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब एल्गो कैसे काम कर रही है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो एक बात समझ लेना कि यूट्यूब अब आपके शॉर्ट वीडियो वाले चैनल पर आपके लॉन्ग वीडियो जो होंगी, अगर आप वहां पर अपलोड करते हैं, तो वो आपके ऑडियंस तक, जो आपके शॉर्ट के सब्सक्राइबर्स हैं, वहां तक वो नहीं भेजेगा, नहीं रिकमेंड करेगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना है कि आपको यहां पर अपने चैनल पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो डालनी है। बात समझना, अगर आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल है, लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है, अब मिक्सअप नहीं करना है। वरना अगर आप लॉन्ग वीडियो वाले चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो लॉन्ग वीडियोस वाले चैनल्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास आपकी शॉर्ट वीडियो नहीं रिकमेंड होगी, नहीं जाएगी। तो ये तो आपको पता है कि यूट्यूब पर ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये चेंजेस हुआ है, और इसको आपको गौर करना है और इस तरीके को फॉलो करना है। आपको लॉन्ग वाले चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालनी है, शॉर्ट वाले पे शॉर्ट डालनी है, मिक्सअप नहीं करना है, बिल्कुल मत करिएगा, सबसे पहली गलती ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, YouTube पर दोस्तों, YouTube जो इस टाइम की मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है कि आप जिस टाइप का कंटेंट देखते हैं, जिस टाइप का वीडियो आप अपने चैनल पे देखते हैं, अपने YouTube ऐप के अंदर, उसी टाइप के कंटेंट आपको YouTube रिकमेंड करता है, उसी टाइप के वीडियोस आपको रिकमेंड करता है, जिस टाइप में आपका इंटरेस्ट होता है, आपको भी पता है, आपका चाहे शॉर्ट वीडियो का हो चाहे लॉन्ग वीडियो का हो, कोई भी चैनल, कोई भी वीडियोस आप देखते हैं, तो अगर शॉर्ट वीडियो में जिस टाइप के वीडियो देखेंगे उस टाइप के वीडियो ज्यादा रिकमेंड करेगा, और लॉन्ग वीडियो में भी वैसे रिकमेंड करता है। अब अचानक से व्यूज का डाउन होना, ये क्या, कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है? मेरे पास काफी सारे मेल्स आए, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अचानक से हमारे व्यूज, वीडियो जो चल रही थी अचानक से इंप्रेशन बंद हो गया, वीडियो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, अचानक से इंप्रेशन डाउन हो गया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर आपको पता है कि क्या मैटर करता है, यहां पर हमारा CTR होता है, इंप्रेशन CTR एंड हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वॉच टाइम, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इसको जानते होंगे आप। अब देखिए यहां पर अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं यूट्यूब पर, तो देखिए अगर आपके वीडियो का, आपका जो वीडियो आपने डाला है, जो वायरल वीडियो है, वहां पर अगर क्लिक थ्रू रेट आपका डाउन हो रहा है, अगर आपके वायरल वीडियोस पे क्लिक थ्रू रेट, समझते हैं, इंप्रेशन गया, लोगों ने क्लिक नहीं किया ज्यादा अगर, तो फिर आपके चैनल की रीच ऑटोमेटिक डाउन होती चली जाएगी। मेरी बात को गौर से समझना, ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी तक जैसे वीडियोस चल रही थी चल रही, लेकिन वहां पर आपके CTR का होना बहुत जरूरी है। अभी की डेट की बात करो, आपके उस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन भले ही घटिया हो, आपके चैनल पे 2 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है और आपकी वीडियो को 1 मिनट से कम भी देखी जा रही है, भले वो ग्राफ डाउन है, अगर आपकी वीडियो पे CTR डाउन है, तो फिर आपकी वीडियो को YouTube रिकमेंड नहीं कर रहा है। यह मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। आपके चैनल पे इंप्रेशन का ना जाना, अचानक से व्यूज का डाउन होना, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अभी की बात बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, यही हकीकत है। अभी आपको अपने चैनल के इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए, CTR बढ़ाने के लिए आपको थंबनेल पे काम करना है, अभी की बात बता रहा हूं।
आपको थंबनेल को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव, क्लिकेबल एंड ज्यादा से ज्यादा सस्पेंसदार बनाने, ताकि अगर किसी भी ऑडियंस के पास स्टार्टिंग में आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कुछ लोग आपकी वीडियो देखते हैं, उनके पास अगर आपके वीडियो का रिकमेंडेशन ज्यादा है तो वहां पर ऑडियंस को क्लिक करना चाहिए। अगर थंबनेल को इग्नोर किया, जैसे कि चैनल का एवरेज आपका 8 से 10% आपका सीटीआर है, अगर वहां पर आपके वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन भले ही कम हो, आपकी वीडियो भले ही लोग ना देखें ज्यादा देर तक, ऑडियंस एंगेज ना करे, लेकिन वहां पर वो क्या करे, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट जो जैसे ही रिकमेंड करे लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें। आपने गौर करना अपने वीडियोस पे, जो अपने आपकी वीडियो बंद हुई है, अचानक से व्यूज डाउन हुआ है, उनका मेन रीजन होगा आपका जो सीटीआर है वो पहले ऐसे था, चल रहा होगा, अचानक से उस पर डाउन, जो ये ग्राफ होगा वो डाउन हुआ होगा, इसी वजह से आपकी वो वीडियो बंद हो चुकी है, व्यूज बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, डाउन हो चुकी है, 4 से 5 व्यू आ रहे हैं। तो वहां पर आपको अपने थंबनेल को चेंज करने की जरूरत है। आपको अपने जो भी वीडियो अपलोड करनी है वहां पर थंबनेल को ज्यादा से ज्यादा क्लिकेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं हकीकत है ये यूट्यूब की, जितना ज्यादा आपके थंबनेल को देख के, टाइटल को देख के, यहां पर टाइटल और थंबनेल दोनों क्लिकेबल बनाने हैं, ताकि ऑडियंस आपकी वीडियो को क्लिक कर सके, चाहे वो जो भी चैनल हो, कोई भी कैटेगरी का चैनल हो। आपको सस्पेंस बरकरार करना है, ऑडियंस के दिमाग से खेलना है, ताकि आप कैसे वर्ड डालें, कुछ ऐसे वर्ड लिखिए, कुछ ऐसे इमेजेस लगाइए जैसे लोग तुरंत अट्रैक्ट हो आपकी उस वीडियो के लिए, उस पर क्लिक करें, उनको पता ही ना हो कि आखिर वीडियो में क्या है, उनको क्लिक करने पर मजबूर करें आप। जितना ज्यादा आपका सीटीआर, आप देखना जो भी वीडियो आपकी चलेगी वो सीटीआर आपका जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक आपके वीडियो की रीच बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक यूट्यूब रिकमेंड करेगा, ब्राउज फीचर में डालेगा। तो ये प्रॉब्लम आई है अभी की टाइम पे, तो ये चीजें मैंने आपको बताई, वहां पर आपको सीटीआर ज्यादा से ज्यादा क्लिकेबल थंबनेल बनाने की जरूरत है। आज के टाइम की बात कर रहा हूं, व्यू ड्यूरेशन मैटर नहीं कर रहा इस टाइम। मैं आपको एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक फुल वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल पे आखिर व्यूज डाउन क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मेरे जो कुछ पुराने वीडियोस थे जिन पर वॉच टाइम अच्छा था, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा था, वो वीडियोस डाउन हो चुकी है। मेरी बात गौर से समझना, जिस पर वॉच टाइम अच्छा नहीं था, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा नहीं था, वो वीडियो डाउन हो गई है, और जिस पर सीटीआर थंबनेल अच्छा था और एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन था, वो ऑटोमेटिक वीडियोस अब यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। इस वक्त क्लिकेबल थंबनेल वाली वीडियोस जिसमें ज्यादा क्लिक थ्रू रेट ऑटोग्राफ बढ़ रहा है, वही वीडियो ज्यादा ज्यादा आपकी रिकमेंड करेगा। तो ये चेंजेस आपको करना है, दिमाग लगाना है। मैंने जो भी मुझे जानकारी थी अपने हिसाब से चैनल की एनालिटिक्स देखकर, अपने होपटॉक चैनल को देखकर मैंने आपको बता दिया जो हकीकत है, और आपको एक प्रूफ वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन मैटर करते हैं हमारी वीडियो को वायरल कराने में। सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आखिर वो वीडियो क्यों वायरल हुई है और क्या उसमें सीटीआर बढ़ रहा है या फिर और एवरेज व्यू ड्यूरेशन का क्या मैटर है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के डेट की बता दूं, यूट्यूब एल्गो कैसे चेंज हुई है, उसका कैसे फायदा आपको उठाना है, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चेंजेस करिए, इंप्लीमेंट करिए, क्लिकेबल बनाइए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऑडियंस आपके चैनल पे आएगी, और अपने ऑडियंस को रिटर्न करने की कोशिश करिए, उसका मेन चारा है आपका टाइटल एंड क्लिकेबल थंबनेल। आशा करता हूं आज की वीडियो को आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।